एक भाई ने फरमाया कि क्या कोई दुकानदार गाहक को मना कर सकता है कि नस्वार और सिगरेट ना लो इससे सेहत खराब होती है तो भाई पहली बात यह कि वो दुकानदार बेच ही रहा है जब पता है कि इससे सेहत खराब होती है तो ना रखो ना अपने दुकान के ऊपर अगरचे सिगरेट बेचना हमेशा कोई हराम नहीं है नस्वार बेचना हमेशा हराम नहीं है यानी इसको मुतक़न हराम नहीं कह सकते हैं ये इस्तेमाल करने वाले पर गलत इस्तेमाल करे बात तो माहिर नफस्यात स्मोकिंग की का, का, कहते हैं कि आप थोड़ा सा स्मोक करें ताकि आपकी तवज्जो बढ़े और यह आम लोगों को होता है दीनदार को तो हम यही और आम लोगों को मशवरा यही देंगे मैं माहिर नफस्यात की बात कर रहा हूँ कि हम कहेंगे आप कुरान पढ़ें तर्जमा तफसीर के साथ हदीफ पढ़ें या कोई घर में जानवर पाल लें परिंदे वगैरह उनकी एक्टिविटी देखा करें तो जहन बहुत हद तक दबाव से हट जाता है बिल्ली पाल लें कोई और जानवर पाल लें बशरतः के आप एफोर्ड कर सकते हों तो ये जहनी मशगोलीत अगर असल में चाहिए होती है कि वो एक चीज़ जो जो हमें डिप्रेस कर रही है ज़हनी दबाव का सबब बन रही है जब कोई और मसरूफियत नहीं होती तो बार बार वो आकर ज़हन पर दबाव डालती है और उससे फिर हमारी सेहत ख़राब होती है या दिमागी अमराज में इजाफ़ा होता है तो यूँ तो और नशोवार को दोबारा तो अगर कोई डॉक्टर नहीं कहेगा तो बेहतर एक ये चीज़ें रखें ही नहीं अपने दुकान पर और अगर रखते हैं किसी मजबूरी की बिना पर कि गाक आता है एक सिगरेट मांगता है और चार चीज़ें और ले जाता है सिगरेट ना हो तो आने छोड़ देता है क्योंकि कहते हैं यार पाँचों चीज़ें वहीं से ले लूँगा ग्राहकों की कमी का सबब बनने लगे अगर आपको वाकई महसूस हो रहा है तो फिर बेहतरीन चीज़ यही है कि आप देते हुए कहते हैं कि यार मैंने मजबूरी में रखी हुई है लेकिन ये आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है आप बिल्कुल कह सकते हैं अच्छी बात है